हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कोहिनूर फूड्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हुए, कंपनी बासमती राइस की बिजनेस करती है एंड इस फील्ड की एक लीडिंग प्लेयर है। मुरथल में इस कंपनी की एक राइस मिल है एंड इट ऑल्सो वोन्स अ फूड फैक्ट्री सिचुएटेड एट बहलगढ़ सोनेपत। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 329 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप, स्टॉक की PE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही मेंशन नहीं है, बाकी ROCE, बुक वैल्यू एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो तीनों ही नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि कंपनी की डेट डेज इंप्रूव हुई है, और अगर नेगेटिव्स में देखा जाए तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट -39% है जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। कंटिन्यूइंग लायबिलिटीज ऑफ 126.84 करोड़ एंड अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 12.55 करोड़। अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 21.32 करोड़ की सेल्स एंड 9.34 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर ये जून 2021 से कंपेयर किया जाए तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स कंपनी बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन कंपनी ने एक्सपेंसेस को कट करके इन जून 2022 बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में एक जंप दिखाई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2022 से अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक सेल्स में तो डिप दिखाई है, लेकिन अगेन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके कंपनी ने बहुत ही बढ़िया एक प्रॉफिट में जंप दिखाई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो करंट TTM की जो प्रोजेक्शंस है वो FY 2022 से भी कम है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जंप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्शंस में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेल्स कंपनी बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही है। देखो, अभी कंपनी प्रॉफिट तो दे रही है एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके, एक्सपेंसेस को कट करके, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी की जो सेल्स है वो कम हो रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के पास अगर सेल्स ही नहीं रहेगी तो कंपनी प्रॉफिट कैसे देगी। एक टाइम के बाद चाहे कंपनी कितने भी एक्सपेंसेस को कट कर ले, लेकिन एक टाइम के बाद ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो रुक जाएगी। एंड अगर ऐसे ही सेल्स में ड्रॉप चलती रही तो हो सकता है अगले आने वाले 5 या 6 साल के अंदर अंदर कंपनी की जो सेल्स है वो 5 करोड़ या तो फिर 10 करोड़ से भी नीचे गिर जाए। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FY 2022 में कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है। बोरोइंग्स के मामले में मतलब डेट के मामले में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाई है, एंड अगर रिजर्व देखा जाए तो रिजर्व थोड़ा सा ही इंक्रीज हुई है नेगेटिव की तरफ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो FY 2022 में कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोस के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोस की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास 2.77 करोड़ के नेगेटिव कैश फ्लोस मौजूद थी, अभी वो इंप्रूव होकर अभी भी नेगेटिव में ही है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास 10 लाख के आसपास के नेगेटिव कैश फ्लोस मौजूद है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी तक जून क्वार्टर लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक नहीं हुई है, बाकी अगर मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग, FIS की होल्डिंग एंड DIS की होल्डिंग टोटली अनचेंज्ड है, और अगर पब्लिक में देखा जाए तो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है जो कि है अलधारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स LIC। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 26% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी एग्जैक्ट 26.09% है इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग। तो गाइज, अभी कंक्लूशन पे आते हैं, क्या आप लोग को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, सिंपल सी बात है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी पोजीशन कंसिडर कर सकते हो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हुए, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि मत जाओ। कंपनी के पास अगर सेल्स ही नहीं रहेगी तो कंपनी प्रॉफिट कैसे देगी, एक टाइम के बाद आके ये कंपनी कितने भी एक्सपेंसेस कट कर ले या तो फिर कंट्रोल कर ले, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं देखने वाली है आप लोगों को। एंड जिस हिसाब से कंपनी सेल्स ग्रोथ दिखा रही है, मतलब नेगेटिव में जिस हिसाब से कंपनी सेल्स ग्रोथ दिखा रही है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है अगले आने वाले 5 या 6 साल के अंदर अंदर कंपनी की जो सेल्स फिगर है वो 10 करोड़ से भी कम
हो जाए, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे चल के एक्सपेंसेस को कट करके सेल्स जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है, थ्रू मार्केटिंग हो सकता है, थ्रू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ भी करके कंपनी पहले के जैसा 1000 करोड़ या तो फिर उससे भी ज़्यादा की सेल्स पोस्ट कर सकती है जैसे कि कंपनी पहले करती थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, वेट अ सेक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी फिर से ऐसे सेल्स प्रोवाइड कर सकती है विथ कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए इस कंपनी के ऊपर। अगर कुछ भी मतलब भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पे मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, सिंपली डोंट गो फॉर दिस कंपनी। तो गाइस अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कंपनी के टेक्निकल्स से कंपनी के बारे में क्या पता चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विद इन फ्यू मंथ्स ये कंपनी 6 रुपये से लेके 125 रुपये तक की टारगेट हिट कर दिया था, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कंपनी को पंप किया गया था, कंपनी के प्राइस को पंप किया गया था। तो पंप के बाद होता है डंप, अभी इस कंपनी में डंपिंग चालू है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लगा रही है एंड रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया है इसने ऑलरेडी। तो जो भी लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा इस कंपनी को एक बार ओवरसोल्ड जोन में जाने दो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी बहुत दिनों तक एक ओवरबॉट जोन में थी। ऑलमोस्ट कंपनी की जो RSI थी वो 99.9596 तक टच कर गई थी। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मुझे यही लग रहा है कि ये कंपनी अभी ओवरसोल्ड जोन में जाने वाली है एंड ये कंपनी 25 से 30 रुपये तक की लेवल शो कर सकती है। तो दो गाइस मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँ कि 25 से 30 रुपये तक के लेवल तक वेट करो, हो सकता है ये कंपनी 5 रुपये तक की भी लेवल तक शो कर दे, या तो फिर ये भी हो सकता है कि कंपनी 50 या तो फिर 60 रुपए के लेवल से रिवर्सल शो कर दे। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है वो तो मुझे यही लग रहा है कि ये कंपनी एक ओवरसोल्ड जोन में जा सकती है एंड हो सकता है कंपनी 25 से 30 रुपए तक के लेवल शो कर सकती है, जो कि मुझे लग रहा है एज ऑफ नाउ। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कंपनी यहाँ से ही रिवर्सल शो करके एक नया हाई सेट कर दे, हो सकता है 200 रुपये तक के भी लेवल शो कर दे कंपनी। तो गाइज ये तो हो गया, जो लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करे उन लोगों को क्या करना है। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइज यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, तो स्विंग ट्रेडर्स अभी वेट करो कि कहाँ तक का ये कंपनी फॉल शो कर रही है। जहाँ पर ये कंपनी फॉल शो करेगी उसके बाद आई थिंक इतना बढ़िया रिटर्न के बाद कंपनी 1-2 महीने के लिए कंसोलिडेट करेगी उसी रेंज पे, तो एज ऑफ नाउ स्विंग ट्रेडर्स इस कंपनी से दूर रहे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।